कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, पागल टिश्यू ले लो यार वाला, याद है आप लोगों को। अब उस वीडियो के वायरल होने के कुछ दिन बाद ये खबर आ रहा था कि उस वीडियो में जो लड़की है शी कमिटेड सुइसाइड आफ्टर हर वीडियो गॉट वाइडली सर्कुलेटेड ऑन द इंटरनेट। अब ऑब्वियसली ये खबर कंफर्म तो नहीं है, किसी भी क्रेडिबल न्यूज एजेंसी ने इस न्यूज की पुष्टि भी नहीं की है, लेकिन इस वीडियो का अपलोड होना और उसका वाइडली सर्कुलेट होना इंटरनेट पे, दैट इंस्टिगेटेड मी टू मेक दिस वीडियो। जिस इंसान ने वो वीडियो निकाला है और उसको इंटरनेट पे अपलोड किया है वो तो खैर है ही हैवान, और आप समझ भी सकते हैं कि उसने एक क्राइम कमिट किया है यहाँ पे, और उसके लिए उसको सजा भी मिल सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये हजारों लोग जिन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर किया है उनमें से हर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के अंदर एक ऑफेंस कमिट किया है, और जिसकी सजा जिस इंसान ने उस वीडियो को एक्चुअली में अपलोड किया है इंटरनेट पे उसके बराबर है, उसके समान है। जी हाँ, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 ये क्लियरली कहता है कि जो कोई भी इंसान किसी ऑब्सीन कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश या फिर ट्रांसमिट ये करता है उसको फर्स्ट ऑफेंस पे 3 साल तक का सजा और 5,00,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और रिपीटेड ऑफेंस में अगर सब्सिक्वेंटली फिर से वो ऑफेंस कमिट करता है तो 5 साल तक का सजा और 10,00,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। अब क्योंकि ऑब्सीन ये शब्द बहुत ब्रॉड है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, तो स्पेसिफिकली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट्स को टारगेट करने के लिए सेक्शन 67A दिया गया है आईटी एक्ट के अंदर, जो कहता है कि जो कोई भी इंसान किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिश या फिर ट्रांसमिट करता है उसको पहली ऑफेंस पे 5 साल तक का सजा और 10,00,000 रुपए तक का फाइन, और रिपीटेड ऑफेंस में 7 साल तक का सजा और 10,00,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। तो समझिए, हम में से हर कोई जिसने उस वीडियो को शेयर किया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम रील्स पे या फिर कहीं भी और, उनमें से हर किसी एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकता है अगर कोई कंप्लेन करेगा तो बस ये बात याद रखिए। और ऐसे कोई ऑब्सीन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आपको कोई फॉरवर्ड करता है, आपको कोई भेजता है, तो उसको फर्दर ट्रांसमिट मत कीजिए, उसको फर्दर स्प्रेड मत कीजिए, फर्दर सेंड मत कीजिए। याद रखिए कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या फिर ऑब्सीन वीडियोस को रिसीव करना, उनको देखना या फिर ब्राउज करना भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उसके लिए आपको कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। तो जब तक आप उस वीडियो को खुद ट्रांसमिट नहीं कर रहे, खुद सेंड नहीं कर रहे, यू आर नॉट लायबल फॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बट एज सून एज यू डू दैट, यू ट्रांसमिट द वीडियो इन एनी शेप और फॉर्म, यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉ इफ समवन कंप्लेन्स। सो डोंट एवर फॉरवर्ड वायर वीडियोज लाइक दिस। विथ एवरी शेयर आप शायद अनजाने में किसी इंसान को अपनी जान लेने की तरफ एक कदम धकेल रहे हैं। उसके साथ आप जोड़ लीजिए कि देयर इज अ लेजिटिमेट पॉसिबिलिटी ऑफ इवन यू गेटिंग प्रोसिक्यूटेड, नो वन इज कमिंग आउट एज अ विनर इन दिस सिनेरियो, डोंट डू इट। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलेंगे अगली वीडियो पे। मेरा नाम है आकाश, मैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ और आप देख रहे थे लव इट।